दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनी डिविस लैब के शेयर में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 10% की तेजी आई और इसने 5,315 रुपये पर 52 वीक का हाई बनाया। ये निफ्टी में सबसे अधिक बढ़त वाले शेयरों के तौर पर कारोबार कर रहा था। कंपनी के मोलनोपिरेविर API के लिए MSD की ऑथराइजेशन मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण इन्वेस्टर की इसमें दिलचस्पी बढ़ी है। आपको बता दें कि ये दवा कोरोना के खतरे वाले लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने के जोखिम को लगभग आधा करने में कारगर पाया गया है। इस दवा के बारे में MSD ने पिछले सप्ताह बताया था कि वो इसके लिए अमेरिका में इमरजेंसी यूज की अनुमति लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दुनिया भर में इसकी बिक्री के लिए रेगुलेटरी आवेदन किया जाएगा। डेविस लैब ने कुछ महीने पहले ही बताया था कि मोलनोपिरेविर API के लिए वो MSD के ऑथराइज मैन्युफैक्चरर है और उसे इस API को भारत में MSD के VL पार्टनर को सप्लाई करने की अनुमति मिली है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेविस लैब के शेयर में तेजी आने की वजह MSD का कोरोना की इस दवा के लिए इमरजेंसी यूजेस की अनुमति लेने की कोशिश है। फार्मा API सेगमेंट में डेविस लैब को बड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि इसके पास मजबूत मैनेजमेंट के साथ ही अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन भी है और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेविस लैब 6,000 रुपये के लेवल तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट डेविस लैब को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।